ये लो टिकट, हम आने की कोशिश करेंगे, अगर ना आ पाए तो सागर से कहना कि हम माफ कर दें और तुम्हें घर छोड़ दें। लेकिन तुम आना जरूर। बाय नेहा, आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू। हेलो सागर। सागर तुम शादी कब करोगे? जब प्यार करता हूं तो शादी भी जरूर करूंगा। लेकिन कब? डैडी अब और इंतजार नहीं कर सकते। तुम्हें मालूम है डैडी हार्ट पेशेंट है और मैं उनका दिल दुखाना नहीं चाहती। नेहा, मैं अभी शादी कैसे कर सकता हूँ? कितनी मंजिलें तय करनी है मुझे, संगीत की दुनिया में नाम कमाना है। मैं तुमसे शादी करूंगा तो दुनिया ताने देगी कि अमीर घर में शादी करके संगीत के नाम पर निकम्मा बैठा रहना चाहता है। हेलो सागर। हेलो नेहा, जयदीप साहब नहीं आए? वो एक जरूरी काम से बाहर गए, शायद बाद में आएंगे। तस्वीर का नेगेटिव तुम्हें जेल पहुंचा सकता है। तुम मुझे रोज फोन करके परेशान क्यों करती हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते तुम्हें कितने पैसे चाहिए उन नेगेटिव्स के लिए? वक्त आने पर बता देंगे बबुआ। जाने लोगों को गाड़ी चलाने की तमीज कब आएगी? अरे भाई साहब, अगर दिखाई नहीं देता तो आंखों पर वाइपर लगवा लीजिए। आपका तो कुछ नहीं, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो मेरी गाड़ी का तो सत्यानाश हो जाता। आई एम सॉरी भाई। सॉरी? गलती की और सॉरी कह दिया? साले अंग्रेज चले गए, तुम जैसे कोई सॉरी छोड़ गए? ओके, माफी चाहते हैं। तुम जयदीप? जयदीप हो ना? जी हाँ। आप? अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं विक्रम हूं। जब तुम वो अपने हिलसाइड क्लब में टेनिस खेला करते थे, मैं तो वहां का सेक्रेटरी था। ए, विक्रम जी, कम ऑन, क्या यार, मेरे दाढ़ी वाली मुंडाली पहचान नहीं जाते बिल्कुल? अरे पहचानो के कैसे,
खन्ना स्पोर्टिंग गुड्स कंपनी के मालिक की इकलौती लड़की से शादी करके जब तुम टेनिस को भूल सकते हो तो हम तो सिर्फ टेनिस क्लब के सेक्रेटरी थे। यार, टेनिस को कैसे छोड़ सकते हैं? जो कुछ भी है टेनिस की वजह से है। हाँ, रेगुलर प्रैक्टिस जरूर छूट गई यार, कि गाड़ी का ज्यादा नुकसान था ना। थैंक गॉड, इट्स अ ब्यूटीफुल कार, मार्क इन मेटालिक ग्रे। बच्चे, बहुत दिनों से तमन्ना है हमारी भी एक गाड़ी खरीद। इसे खरीद लो। क्यों मजाक करते हो? मजाक नहीं, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। 3 लाख में कार तुम्हारी हो सकती है। सच? ओनली 3 लाख? ओह वंडरफुल। चलो घर चलते हैं, इतने दिनों के बाद मिले, एक ड्रिंक लेते हैं और गाड़ी की डील भी करते हैं। चलो कहाँ? चलो। थैंक यू सो मच। ओके, आई विल फॉलो यू। फॉलो मी। या ये शानदार मकान, ये शान शौकत और ये जीने का अंदाज सब हमारी पत्नी नेहा की बदौलत है। दौलत भी कितनी खूबसूरत चीज होती है, दुनिया की हर खूबसूरती आपके कदमों में डाल देती है। और जब यही खूबसूरत चीज आपसे जुदा होने का फैसला कर ले तब, मतलब एक दिन हमें मालूम हुआ कि नेहा हमसे दूर जा रही है, हमें तलाक दे सकती है, हमारे तो पांव तले जमीन खिसक गई कि नेहा के साथ साथ उसकी दौलत भी चली जाएगी। और हमने तो शादी दौलत की वजह से की थी। इस मुल्क में एक खिलाड़ी के कैरियर और उसकी कमाई का क्या भरोसा? खुशी हुई तुम्हारा ख्याल जानकर। हम सोचने लगे कि पहनने के लिए आला से आला कपड़े, पीने के लिए ये विलायती शराब, यह ऐशो आराम, हमारे शौक कैसे पूरे होंगे? ये ख्याल टेनिस की बॉल की तरह इधर से उधर उछलने लगा। ऐसा क्या करें कि नेहा चली जाए मगर उसकी दौलत नहीं। आखिर हमारा दिमाग रोशन हुआ कि नेहा की वसीयत के मुताबिक उसकी मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी के मालिक हम होंगे। बस हमने फैसला कर लिया कि हम नेहा की हत्या कर देंगे। इसमें हैरानी की क्या बात है विक्रम? हत्या और भूख दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें इंसान किसी भी युग में अपने से अलग नहीं कर पाए। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर होती जा रही हैं। हम तुम्हें समझाएंगे। दरअसल नेहा को हमारी नीयत समझ में आने लगी थी, लेकिन हमें उसके भोलेपन पर विश्वास था। पर न जाने क्यों जानवरों की तरह भी जाते हो मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्या कसूर है मेरा? कसूर? बैंक ने ये चेक वापस क्यों किया? क्यों? क्योंकि मैं एक औरत हूं और मुझसे तुम्हारी अय्याशी बर्दाश्त नहीं होती। शट अप, कीप क्वाइट, बंद करो ये बकवास। तुम्हारे बाप की दौलत पर सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं, हमारा भी है। मत भूलो वो दिन जब जयदीप एक मशहूर टेनिस प्लेयर था, तब तुम्हारे बाप जगत नारायण खन्ना ने खन्ना स्पोर्टिंग गुड्स कंपनी का मॉडल बनाकर
जयदीप की नुमाइश से लाखों करोड़ों रुपए कमाए थे, अंडरस्टैंड? क्या मैं तुम्हें पैसे कमाने से कहा रोकती? तुम जो अकेले शराब भी हो, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बीवी नहीं, तुम सिर्फ नेहा हो और नेहा बनकर आओ। हमने तुमसे नहीं तुम्हारी दौलत से शादी की थी। अगर तुम्हें हमारे जीने के तौर तरीके पसंद नहीं तो दफा हो जाओ हमारी जिंदगी से। एक खूबसूरत औरत हमारे तलवे चाटती थी। हमने तुमसे नहीं तुम्हारी दौलत से शादी की थी। दफा हो जाओ हमारी जिंदगी से। जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें। ये क्या कह रहे हो सागर? मैं जाने दे
क्या हो रहा मुझे भी तो पता चले। मैं उनका हर सितम बर्दाश्त करती रही, मगर अब मुझसे उनकी बेरों की बर्दाश्त नहीं होती। जिस औरत का पति सिर्फ उसकी दौलत चाहता हूं, वो किसके सहारे जिएगी सागर, किसके सहारे? मुझे मर जाने दो। ना समझे की हद होती है नेहा, अगर तुम्हारा पति खुद गर्ज है, मतलब ही है, तो तुम क्यों आत्महत्या करो? क्या मौत ही हर मर्ज का इलाज है? और क्या कर सकती हूँ मैं? तुम उसे तलाक देकर अपने सहारे जिंदगी जी सकती हो। तलाक देना आसान नहीं होता सागर। औरत एक बार जिसे अपना पति मानकर सब कुछ सौंप दे, उसे जिंदगी भर अपने एहसास से अलग नहीं कर सकती। पत्नी बनकर वो अपने सारे अरमान, सारे जज्बात अपने पति के हवाले कर देती। फूल की तरह वो अपना सारा बोझ शाख को सौंप देती है, और शाख से फूल गिर के खिलते नहीं सागर, मुरझा जाते हैं। तुम जज्बात की रौ में बह रही हो नेहा, शाख पर कई फूल खिलते हैं, क्या पति एक और पत्नियां कई होनी चाहिए? देखो नेहा, तुम एक सोचने समझने की ताकत रखने वाली जीती जागती औरत हो। लद गया वो जमाना जब मर्द के बिना औरत की कोई हस्ती नहीं थी। आज की दुनिया में कितनी औरतें हैं जिन्होंने अकेले होते हुए बहुत कुछ पा लिया है। देखो, जिंदगी में मकसद ही मकसद है, बस इरादा होना चाहिए। आज के बाद जिंदगी की कदर करोगी, ये तुम्हारी नहीं भगवान की दी हुई नेमत है, समझी? देखो, मैं कुछ दिनों के लिए लंदन जा रहा हूं, वापस आते ही मिलूंगा। सागर ने हमारे तन बदन में आग लगा दी थी, जी में तो आया कि उस कमबख्त का उसी वक्त खून कर दें, मगर सब्र इंसान की सबसे बड़ी फतह है। अच्छी खासी मर रही थी बेचारे, कमीन उसे मरने से ही नहीं रोका, बल्कि जीने की राह भी दिखाई। नेहा के दिमाग में तलाक का बीज बोक, उसने हमारे भविष्य के हरे भरे सपने काट फेंके। हमें अपनी जिंदगी टुकड़े टुकड़े होती दिखाई थी, तभी हमें एक सूरत नजर आई और हमारे दिमाग में जन्म लिया एक तरकीब ने। हमने घर लौटकर बड़ी बेसब्री से नेहा का इंतजार किया। साहब, मेम साहब आ गई।
नेहा, नेहा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। नेहा, पिछले दिनों मैंने अपने बारे में काफी सोचा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं बहुत ही गया गुजरा घटिया इंसान हूं। मुझे ताज्जुब होता है कि तुमने अब तक मेरा साथ कैसे निभाया। मुझे तलाक क्यों नहीं दिया? पहले हमेशा मैं खेल में डूबा रहा, जब देखा कि जीत मेरी किस्मत में नहीं है तो शराब और चूहे में डूब गया। नाकामी ने मुझे नाखारा बना दिया। नेहा, तुम्हारे घर में तुम्हारे पैसों से अपने शौक पूरे करता रहा, लेकिन 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 तुम्हारी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। मैं तो इस लायक भी नहीं कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। नेहा, तुम जब चाहोगी मैं तुम्हारी जिंदगी से अलग हो जाऊंगा। हालांकि तुम्हारे बगैर जब तक तुम मेरा साथ दोगी मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छा इंसान और एक अच्छा पति बनकर रह सकूं। गुड मॉर्निंग बेटी। नमस्ते अंकल। जीती रहो। आज थर्सडे को ऑफिस कैसे आ गई? तुम तो हमेशा मंडेज और फ्राइडेज को आती हो। घर में खाली बैठे बैठे जी नहीं लग रहा था, सोचा यहीं आके थोड़ी मगजमारी कर लूं। वैसे अकाउंट और फाइलें देखते ही मेरा सब दुखता है। वो वेस्टर्न इंडिया लॉन टेनिस एसोसिएशन का क्या हुआ? वो तो जयदीप ने पिछले वीक ही पर्सनली अटेंड कर लिया था। हाँ? तुम्हें नहीं मालूम? जयदीप पिछले वीक से रोजाना 10 बजे ऑफिस चला आता है। देखो ना आज काम में कितना मशगूल है। वेस्ट इंडिया लॉन टेनिस एसोसिएशन की तरफ से हमारी कंपनी को जो कंप्लेंट आई है वो हम लोगों के लिए शर्म की बात है। आप लोग अरसे से इस कंपनी में काम करते आ रहे हैं, लेकिन याद रखिए स्पोर्ट्स में चाहे जितनी बेईमानी क्यों ना हो, अगर खेल का सामान बनाने में लापरवाही बरती गई तो खिलाड़ी बदनाम होगा, इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिस ऑल फॉर नाउ। We meet tomorrow with fresh production targets for March. Hi, Jijay! कैसा है तू? और प्रिंस तेरे घोड़े घोड़े कैसे भाग रहे हैं? हाँ? अरे नहीं यार, मैंने रेसेस में जाना छोड़ दिया है। नहीं बस यूं ही। और बता लाले की जान, तेरा प्रॉन्स का धंधा कैसा चल रहा है? हाँ? कब भेज रहा तू जम्बो प्रॉन्स? हाँ? हाँ, तेरी भरजाई पास ही बैठी है। नहीं नहीं, फोन पे बात बिल्कुल नहीं कराऊंगा। घर आ और प्रॉन्स लेकर आ। ओके बाय। ये क्या रोजमेरी, तुम घर नहीं गया? 7 बजने को आया। नहीं साहब, आज हमारा हस्बैंड लेने को आएगा। ड्रिंक बनाओ। नहीं रोजमेरी, हमने पीना छोड़ दिया। गॉड ब्लेस यू। जय, आज मिसेस बलबीर की यहाँ पार्टी है, चलोगे? आप कहेंगे तो जरूर चलेंगे। तो फिर तैयार हो जाओ। नीम साहब। नेहा। हाँ? अभी ना कर आए।
feelings, nothing more than feelings, trying to... अरे, आप नहाए नहीं? मुँह हाथ धो लिया ना? क्या हम धुले धुलाए नहीं लग रहे? क्यों नहीं? आप भी नहा लीजिए जाके। बस, अभी नहाती हूँ। hey, सुनिए, 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 सुनिए। ये पर्स को क्या आप बाथरूम में नहलाएंगी? बस। आप भी हम जैसी भुलक्कड़ होती जा रही हैं। नेहा, सोचता हूं तो ताज्जुब होता है, कैसे होंगे तुम्हारे पति जिन्होंने तुम्हारी मोहब्बत के बजाय तुम्हारी दौलत पानी चाही। खैर, बहुत जल्द लौट रहा हूं और तुम्हारे ही शहर में मेरा प्रोग्राम है। नेहा, कभी कभी न जाने क्यों ऐसा महसूस होता है कि तुमने मुझे आवाज दी। फिर सोचता हूं कहीं ये दिल को घुमा तो नहीं। Trying to forget mind. ओ पीना यार शर्माना कर पे। और लो भी साड़ा यार आ गया जयदीप। क्या हाल है सोने हो? पापी नमस्ते जी, नमस्ते। की हाल है सोने हो? चलो यार दारू शराब पीने हैं। हाय, हाउ यू? फाइन। अब तो मियां बीवी में सब ठीक है ना? क्यों? गड़बड़ कब थी? जयदीप स्पोर्ट्स वेल पर आया है। ऊपर जाई किथे रह गई है? नेहा तो बुला। नेहा आओ ऊपर जाई जी। तुहानू अपने दोस्तों नाल मिलाउने। आई शोक मल्होत्रा। भाई नेहा, बात तो बिल्कुल सही है। मिसेस बलवीर और बलवीर का कहना है कि हम लोग बहुत ही कंजूस हैं। इन्हें आज तक खाने पर नहीं बुलाया हमने। ठीक ही तो है, पिछले एक साल से आपने कभी घर पे बुलाया? और चुप रहा है, हमेशा बोलती रहनी है। पर जाई तुझे गल्ला ही ना आई, हमेशा बोलती रहनी तो मैं सुनता रहना है। वो एक प्रौने ने और जो मर्जी बुला लिए, जो मर्जी कर लिए। चल पहला दारू शुरू पी लिए, फिर गले चिक्के होंदे रहेंगे। पर जाई तेनू की भेजा, सॉफ्ट या हार्ड? वो इन्हें गल्ला मारने पर दारू शुरू पीने। और चल बुरा ना माना नेहा, इसका खिलाड़ी बड़े खुले दिल के होते हैं। सुनो चले चले। क्यों चल दिए? चलते हैं भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा रात बहुत हो गई अब। अरे आप बैठिए ना प्लीज। ओ चल पे जयदीप साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा भरजाई, फिर मिलेंगे। आपका पर्स कहाँ? हाथ में तो था, कहाँ रख दिया? ये चोरी वोरी तो नहीं हो गया? है चोरी हो गया, वो कमाल दा होटल, वो इतना चोर बाजार लगता है मैनू। ले भाई 35,000 भी खर्चे, ते मेरी भरजाई का कोई पर्स भी चक के ले गया? ਪਰਜਾਈ ਤੂੰ ਘਬਰਾਣਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰ? ਲਿਸਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਜਾ ਦਾ ਫੋਨ। ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤੇ ਬੱਲੀ? नेहा हम चलते हैं। ओके। हाँ ले ओ। यस स्पीकिंग। क्या पर्स मिल गया? अरे वाह। नहीं नहीं, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, हम खुद कलेक्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। नेहा आपका पर्स मिल गया, हम ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में कलेक्ट कर लेंगे। मैं भी साथ चलती हूँ। अरे आप क्यों परेशान होती है, जाएंगी आएंगी। इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं यहाँ बैठी क्या कर रही हूँ? ओके आइए। हाँ देखिए, यही है ना वो आपका पर्स। थैंक यू। खोल कर देख लीजिएगा, इसमें से कोई चीज चोरी तो नहीं हुई? नहीं कोई बात नहीं, देख लो, इनकी तसल्ली हो जाएगी। यस प्लीज मैडम। बस कुछ रुपए थे, वो निकाल ले गया। इट्स ऑल राइट, चले। थैंक यू। चीज मिल गई, रुपयों का क्या? नहीं थैंक यू सर। अगर आप चाहती हैं कि आपका प्रेम पत्र आपके पति तक ना पहुंचे, तो आज रात ठीक 11 बजे मरीन ड्राइव टॉक ऑफ द टाउन के पीछे सी लेन बिल्डिंग नंबर 4 की लिफ्ट में
1,00,000 रुपया रख दीजिएगा। लिफ्ट ऊपर आएगी मगर आप नहीं, और जब लिफ्ट नीचे आएगी तो उसमें आपका प्रेम पत्र होगा। होशियारी ना दिखाइए वरना ओह माय गॉड। तो क्या खत तुमने नहीं चुराया था? बाकायदा हम ही ने चुराया था। ये रहा वो खत। थैंक यू। तुमने रुपया क्यों मांगा? जुर्म के फसाने में ब्लैकमेलर का किरदार हुस्न पैदा करता है जनाब। हमने नेहा को उस शाम फोन किया, इल्तजा की कि हमें उसी वक्त टॉक ऑफ द टाउन में आके मिले। नेहा जी, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। वो ऐसा आप मुझे बहुत दिनों के बाद डिनर पर ले आए ना, शायद इसीलिए। सच? क्या हुआ? मैं जरा टॉयलेट होके आती हूँ। अच्छा, हम तो घबरा गए थे। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम यही सोचो ना। नहीं नेहा, हम अपनी नजरों में इतना गिर चुके हैं कि खुद को तुम्हारे पास के काबिल नहीं समझते। जिस रोज हम अपने आप को माफ कर सकेंगे, शायद उस रात
गुड नाइट कहने की जरूरत न रहे। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे चाय आप क्यों ले आए और ये फूल? इसलिए कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही मुबारक दिन है। आज से 2 बरस पहले आज ही के दिन आप हमारी हुई थी। फोन है। हेलो जी हैं? Yes. May I know who's call? जी मैं सागर बोल रहा हूँ। Just hold please. नेहा आपके लिए किसी सागर साहब का फोन है। क्या कहें? She's coming. जी शुक्रिया। Hello. Hello नेहा, कैसी हो? मेरा खत मिला? हाँ मिला। तुम सुना? सुनाना क्या है, मिल कब सकता हूँ? मुलाकात तो मुश्किल है सागर। कौन सा अगर? कहीं ये वो गजल सिंगर तो नहीं? हाँ वही है। वही है? अरे कमाल हो गया, तुम इन्हें जानते हो? जी। तो शाम घर बुलाओ ना। जी। आज की शाम अगर इनके संगीत के सुरों में ढल गई तो यादगार बन जाएगी। भाई आज की शाम के लिए इससे ज्यादा खूबसूरत तोहफा और क्या हो सकता है? लाइए हम बात करते हैं। हेलो सागर, प्लीज स्पीक टू माय हस्बैंड। श्योर। हेलो सागर साहब। हेलो। हुजूर इस नाचीज को जयदीप कहते हैं। देखिए हम आपके आपके फन के बहुत बड़े मुरीद हैं। भाई हम चाहते हैं कि आज की शाम आप हमारे घर तशरीफ लाएं। मैं जी देखिए आप इनकार मत कीजिए, अगर आप इनकार करेंगे तो समझेंगे हम कि आपको सिर्फ नेहा की दोस्ती कबूल है, हमारी नहीं। नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं जनाब, आज हमारी शादी की सालगिरह है। अच्छा तो फिर आप जरूर आ रहे हैं, प्रॉमिस? जी प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। लीजिए नेहा से बात कीजिए। हेलो सागर, आई वुड लाइक यू टू मीट माय हस्बैंड। आप जरूर आइएगा। जी जरूर आऊंगा। ही इज कमिंग ना? जी। चाय? कम ऑन। Oh, it's so sweet of him. Sagar. Hello, Neha. शुक्रिया ज़े नसीब, आपके कदम जो हमारी चौखट पर पड़े। मुबारक। थैंक यू। सागर साहब हमारे साथ बहुत नाइंसाफी जी। जी आपने नहीं की नाइंसाफी की, हमारी बीवी ने। इन्होंने हमें कभी नहीं बताया कि इनकी दोस्ती आप जैसे मशहूर और कामयाब फनकार के साथ है, वरना साहब हम तो अपने दोस्तों में ढिंढोरा पीट देते। देखिए हमारी पहुंच कहां कहां तक। आपने हमारे साथ ज्यादती की है नेहा। आपकी जरा नवाजी साहब, ये खाकसार किस काबिल। कमाल है साहब, यही तो बड़े लोगों की खासियत होती है कि क्रेडिट हमेशा दूसरों को देते हैं। आइए तशरीफ तो रखिए। आप एक दूसरे को कब से जानते हैं? जी कॉलेज के जमाने से। इतनी पुरानी जान पहचान और अमन जान। अच्छा आप यहाँ शो के सिलसिले में आए? जी हाँ, और आप दोनों को जरूर आना होगा। हाँ जी हाँ जरूर आएंगे। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके चाहने वाले ना आए? क्यों नहीं आ? जी भाई आप इस तरह खामोश क्यों हैं? कुछ बोलिए ना, घर में मेहमान आए। आप किसी को बोलने का मौका ही कहाँ देते? I'm sorry. देखिए ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, दरअसल हम जरा बौखला गए। हमारी हालत बिल्कुल वैसी है जैसे एक फैन की अपने स्टार को देखकर होती है। आप भी हद किए दे रहे हैं जयदेव साहब, वैसे मैं खुद आपका फैन था एक जमाने में। आपका कोई भी मैच मिस नहीं करता था मैं, बहुत निराला अंदाज था आपका। आपने टेनिस खेलना क्यों छोड़ दिया? बस यूं समझिए हमारे विश्वास ने हमारा साथ छोड़ दिया,
हमें लगने लगा था कि हम अव्वल दर्जे के खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे। आप तो कामयाब आदमी हैं साहब, आप तो जानते ही होंगे कि इंसान की कामयाबी के लिए उसका खुद एतमाद होना कितना लाजमी है। उसे खुद पर एतबार होना बहुत जरूरी है सागर साहब। एक अच्छा खिलाड़ी होने के बावजूद भी बस हमें इसी बात की कमी है। आज कुछ हासिल करने के बाद भी हमें यकीन ही नहीं होता कि यह चीज हमारी है और हमेशा हमारे पास रहेगी। कहां भाग गए हम? अभी क्या सोचते होंगे कि हम, खैर छोड़िए, चलिए एक ड्रिंक लेते हैं। कहिए ना। हाँ सागर साहब, हुजूर आपने टेनिस का जिक्र छेड़कर पुरानी यादों को जगा दिया। कुछ जरा ऐसा सुनाइए ना जिससे गुजरा हुआ जमाना दोबारा आंखों के सामने आ जाए। जरूर सुनाएंगे साहब, नेहा से कहिए ना साथ देने के लिए। मैं नेहा और गाना, क्या कह रहे हैं साहब आप? आप नहीं जानते, नेहा बहुत अच्छा गाती हैं। नेहा तुम, हम शोहर होकर नहीं जानते? भाई वाह, आज तो राज पर राज खुल रहे। नेहा कोई और राज हो तो वो भी बता दीजिए। आज दो लोगों के मिलन के इस मुबारक दिन हमारा राज तोहफा समझकर कबूल कर लेंगे। राज? कैसा राज? मैंने तो आपको गाने के बारे में बताया था ना। सच? हमने कभी गौर नहीं किया। पर सागर साहब का साथ हो ही जाए। लेकिन मैं क्या, ये मैं अरे तुम बिल्कुल प्रोफेशनल सिंगर्स की तरह से मैं करी। अरे इसमें नखरे क्या बात है? अरे यहाँ सब घरवाली तो है, हमें अपने गाने से महरूम रखोगे क्या? हो जाए सागर साहब, हो जाए, हम आपके गाने के मुंतजिर हैं।
कितनी वीरानियां थी, छाई थी कैसी उदासी, सुनकर किसी के कदमों की आहट हलचल हुई है जरा सी। इस वक्त भी वो ऑडिटोरियम में बैठी हुई सागर के जज्बात सुन रही होगी। मतलब ये कि आज जब तुम्हारी बीवी गजल का प्रोग्राम सुन रही है, तुम उसके कत्ल का प्रोग्राम बना रहे हो। शायरी के अंदाज में क्या कातिलाना बात कही हुँ? क्या मैं जान सकता हूँ तुमने मुझे ये सब किस लिए बताया? भाई इसलिए कि अगर हम नेहा का कत्ल करें तो पुलिस का शक सबसे पहले हम पर ही पहुंचने वाला, क्योंकि उसकी तमाम दौलत हमें मिलने वाली। आखिर ये बात कब तक छुपी रहेगी? हमें अपने बचाव के लिए मदद की जरूरत है। और तुम सोचते हो कि मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा? सोचते ही नहीं जानते हैं विक्रम। याद है जब तुम क्लब के सेक्रेटरी थे तो वहां 30,000 रुपए की चोरी हुई थी, और चोरी के जुर्म में चौकीदार को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन सच तो यह है कि रुपए तुमने चुराए थे। जयदीप साहब, आपके गृहस्थ जीवन की कहानी सुनकर बड़ा आनंद आया,
कार खरीदने का अच्छा बहाना था। कुलभूषण पंडित, जिन मिसेस पटेल के साथ आजकल तुम रह रहे हो, वो तुम्हें इसी नाम से जानती है ना? तुम कैसे जानते हो? 3 महीने पहले बार में जिस सूरत को देखकर हमें हमारा मकसद कामयाब होते हुए नजर आया था, वो सूरत तुम्हारी ही थी। इसीलिए हमने तुम्हारे घर तक तुम्हारा पीछा किया था पंडित, ताकि तुम मुझे ब्लैकमेल कर सको। राजी कर सके। मगर आप बहुत दिलचस्प आदमी हैं, हमने आपके बारे में काफी कुछ मालूम किया। जैसे कि सुचित्रा सन्याल से मिलने के बाद तुम्हारी माली हालत काफी सुधर गई थी। वो तुम्हें गौतम घोष के नाम से जानती थी ना? क्या हुआ उस बेचारी का? यहाँ का सबसे करीबी पुलिस स्टेशन कहाँ पर है? गेट से बाहर निकलकर दाहिनी तरफ मुड़ जाओ, मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता हो। मैं सीधा वहीं जा रहा हूँ। क्या कहोगे वहां जाकर? यही कि तुम मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे अपनी बीवी का कत्ल करवाना चाहते हो। तुम्हें लगता है हमारी बीवी इस बात पर यकीन करेगी? जयदीप, तुम भूल रहे हो, आज तुमने मुझे अपने बारे में काफी कुछ बता दिया है। मसलन तुमने अपनी बीवी का पर्स चुराया, उसमें से एक खत निकाला और उसको ब्लैकमेल किया। और यह भी तो हो सकता है कि पर्स तुमने चुराया हो और ब्लैकमेल भी तुम्ही ने किया हो। नहीं, हमारे खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं। तुम्हारे पास वो चुराया हुआ खत है जिस पर तुम्हारी उंगलियों का निशान है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम शराब के नशे में हमसे मिलने आए और तुमने कुछ रुपयों की हमसे मांग की। जब हमने रुपए देने से इनकार कर दिया तो तुमने हमें यह खत दिखाया। हमारे पास जितने रुपए थे हमने तुम्हें दे दिए और यह खत हमने तुमसे ले लिया। फिर तुमने हमें धमकी दी कि अगर हमने पुलिस में इत्तला दी तो तुम हमारे और हमारी बीवी के बारे में लोगों से उलझल उलझ बातें करोगे। तुम मेरा वक्त भी जाया कर रहे हो। नहीं, हम तुम्हें 1,00,000 रुपया दे रहे हैं। कत्ल करने के लिए? 15 मिनट का काम करने के लिए। अगर मैं ना करूं तो? ना कैसे करोगे? हाँ, याद है कुछ दिनों पहले सारे अखबारों में यह खबर छपी थी कि सुचित्रा सन्याल नशीली दवाओं के इस्तेमाल की वजह से मरी हुई पाई गई। लेकिन यह कोई नहीं जानता कि उसे नशीली दवाएं देता कौन था। वो सिर्फ हम और तुम जानते हैं, विक्रमजीत उर्फ गौतम घोष उर्फ कुलभूषण पंडित जानते हैं या नहीं। विक्की, बेवकूफी मत करो। किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले दस्ताने पहन लो। तुम्हारी हिफाजत के लिए कह रहे हैं। फिलहाल ये 10,000 रुपए हैं, बाकी काम होने के बाद। काम कब करना है? कल। कल? हमने सब उसी हिसाब से तय किया है। कल रात सागर और हम एक पार्टी में जाएंगे। नेहा घर पर ही रहेगी। तुम ठीक 10:50 पर घर के अंदर इस दरवाजे से दाखिल होगे। चाबी तुम्हें यहां इस कारपेट के नीचे रखी मिलेगी। उसके बाद तुम घर के अंदर घुसकर यहां आकर छुपोगे। 10:53 पर हम तुम्हें बाहर से फोन करेंगे। फोन की घंटी सुनकर बेडरूम की लाइट ऑन होगी। जब नेहा दरवाजा खोलेगी तो ये लाइट वहां तक पहुंचेगी। इसलिए जब तक नेहा फोन ना उठाए तुम यहां से हिलना डुलना मत। जैसे ही वो फोन उठाए तुम पीछे से उसका गला दबा देना। उसके बाद धीरे से फोन पर सीटी बजाना। बोलना मत, हम तुम्हारी सीटी की आवाज सुनकर फोन कर देंगे। फिर यहां नेहा के कुछ स्कार्फ रखे हैं, इसे खोलकर इन्हें जमीन पर गिरा देना। मगर याद रहे,
ये कबर का दरवाजा बंद मत करना ताकि लगे मैं सर पे पैर रख के भागा। अगर ये शीशे के दरवाजे बंद हो तो इन्हें खोल देना हुँ? और जिस दरवाजे से तुम अंदर आए थे वहीं से लौट जाना। इस दरवाजे से? हाँ। और जाते हुए बखूबी इस बात का ध्यान रहे कि चाबी तुमने यहां से उठाई थी और ये यहीं वापस रख दी जाए। जीने पे, कारपेट के नीचे। शाबाश। शाबाशी तो ठीक है, लेकिन इससे साबित क्या होगा? इससे साबित ये होगा कि तुम यहाँ चोरी करने के इरादे से आए थे। आहट सुनकर नेहा अपने बेडरूम से बाहर आई, उसने तुम्हें देखा और वो शोर मचाकर चिल्लाना ही चाहती थी कि तुमने उसका गला दबा दिया। तुम घबरा गए, तुम्हारे छक्के छूट गए और तुम दम दबाकर भाग गए। तुम्हारे हिसाब से चोर शीशे के दरवाजे से अंदर आया, लेकिन ये दरवाजे तो बंद होने चाहिए। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। नेहा को सोने से पहले लॉन में टहलने की आदत है और वो कभी कभी दरवाजे खुले छोड़ देती। हम पुलिस में यही बयान देंगे। लेकिन तुम्हारी बीवी ने अगर पुलिस को कुछ और बयान दिया तो? मुर्दे कभी बयान नहीं देते। कोई नौकर नौकरानी? नहीं, रात में हम दोनों के अलावा घर में और कोई नहीं होता। 7 बजे के बाद नौकरानी अपने घर चली जाती है। तुम लौटोगे कब? करीब 12 बजे। सागर को हम आखिरी जाम पिलाने के बहाने अपने घर लेकर आएंगे, ताकि हमारे साथ सागर भी नेहा की लाश देख सके। जब हम गए थे तो नेहा जिंदा थी और तब सागर भी हमारे साथ था। हम पर शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तुम एक बात भूल रहे हो। क्या? जब तुम सागर के साथ लौटोगे तो घर में कैसे घुसोगे? अपनी चाबी से। लेकिन वो चाबी तो जीने पर रखी होगी, और सागर के सामने तुम जैसे ही वो चाबी निकालोगे सारा भेद खुल जाएगा। नहीं, जीने पर हमारी नहीं, नेहा की चाबी होगी। पार्टी में जाने से पहले हम नेहा के पर्स से वो चाबी निकालकर जीने तक पहुंचा देंगे, और पुलिस के आने से पहले वही चाबी जीने से निकालकर हम नेहा के पर्स में दोबारा रख देंगे। इस दरवाजे की कितनी चाबियां हैं? 2, एक हमारे पास और एक चाबी नेहा के पास। गुड लक। हाँ मिली, लेकिन उसके बाद मेरी जिंदगी में जो तूफान आया वो तुम्हें इस चिट्ठी पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। नेहा, तुमने जय को ब्लैकमेल वाले नोट के बारे में क्यों नहीं बताया? शादी के बाद पहली बार मुझे उनका प्यार मिला है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे खत की वजह से उन्हें कोई गलत फहमी हो जाए, और ये खुशी जो मुझे बड़ी मुश्किल से हासिल हुई है एक बार फिर उदासी में बदल जाए। लेकिन 1,00,000 रुपए की रकम? इस खुशी को पाने के लिए मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार थी।
हाय भाई माफी चाहते हैं सागर साहब, कुछ यूं फंसे कि बस निकल ही ना पाए। जी हाँ, नेहा ने बताया था। और फिर शाम कैसे गई? भाई नेहा हमसे ज्यादती हो गई। क्या? बस ढिंढोरा पीट दिया अपने दोस्त ने, एज यूजुअल। हमने बोल दिया कि हम आपको जानते हैं, बस फिर फरमाइशों में फरमाइशी शुरू हो गई आपसे मिलने की। मैं तो घबराए नहीं, आपको वहां कोई गाना बनाना नहीं पड़ेगा, बस हमारे साथ चलना होगा। वो क्या है कि कल हमारे अजीज के यहाँ एक पार्टी है सिर्फ मर्दों की। सॉरी नेहा, तुम हमारे साथ नहीं चल पाओगे। यू मीन स्टैग पार्टी? जी हाँ, आपने मजा फरमाया। और हमने उनको बोल दिया कि हम आपको लेकर आएंगे। अब देखिए हमारी ज़ादा आपके हाथ में। भाई फिर तो चलना ही पड़ेगा। अरे जियो, ये होने दोस्ती वाली बात। तो फिर हम कल शाम को 8 बजे आपके घर पर इंतजार करेंगे। चलें? चलिए। चाबी कहाँ रख दी? कहीं आपके पास भी? देखती हूँ, शायद मेरे पर्स में हो। पर्स में तो सिर्फ मेरी चाबी है। हाँ? तो क्या करें फिर, तुम्हारी चाबी ले जाएं? वही हम लोगों को आधे देर हो जाएगी, शायद 12-1 बज जाए, तुम्हारी नींद खामखा खराब हो। मैं जरा मधु के यहाँ जाने की सोच रही थी। इस वक्त इतनी बारिश में? पास ही तो है, जल्दी लौट आऊंगी। यहाँ अकेले बैठे क्या करूँगी? अगर ऐसी बात है तो हाँ, हम नहीं जाते, आपके साथ बैठ के गप्पे पे लगाएंगे, क्यों सागर साहब? जरूर। ओके। अच्छा मैं नहीं जाती, यहीं रहती हूँ बस। That's like a good girl. कमाल है, ढूंढते से गली गली मिली तो अपनी जेब में मिली। क्या बात है। भाई कमाल हो गया आज, तक चलते हैं। ओके। क्या हो रहा है? अच्छा फिर कल सुबह मैं बाहर जा रहा हूँ, पता नहीं कब मिले। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जनाब आला हुजूर, जल्दी कीजिए, प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। जस्ट मिनट। क्या हुआ? हमारी जेब में एक पैसा। मैं दे देती हूँ ना। हम आपके पर्स से? जय मेरा पर्स छोड़ो। अरे हम अपने हाथ से निकालेंगे तो कभी निकालेंगे। जय मेरा पर्स तो। अरे हम आपके शौहर हैं, अगर आपके पर्स में हाथ निकाल दे तो क्या होगा? जय। खफा क्यों होती हैं? अपने हाथ से दे दीजिए। 1000 रुपए चलेंगे। थैंक यू। अब क्या है भाई? सागर साहब भीग जाएंगे, मैं छाता तो लेने दीजिए। मैं दे देती हूँ बाबा। ओके ये लीजिए। ओके थैंक यू। सच पूछे तो आज गुड नाइट कहने पे जी नहीं चाह रहा। हाय सनी, हाउ आर यू? हेलो हेलो। काली बिली प्यार से मेरा होगा नहीं भला, रे थानेदार चद्दर नहीं बिछा, रे थानेदार चद्दर नहीं बिछा, रे मैं भी सोऊंगी, रे मैं भी सोऊंगी, तू भी सोएगा, पंखा जलेगी तेरी माँ। वो थानेदार चद्दर नहीं बिछा, रे थानेदार चद्दर नहीं बिछा। थानेदार घर में कुआं खुदा, रे थानेदार घर में कुआं खुदा, अरे मैं भी नहाऊंगी, रे मैं भी नहाऊंगी, तू भी नहाएगा, पानी भरेगी तेरी माँ। ओ थानेदार घर में कुआं खुदा, रे थानेदार घर में कुआं खुदा, रे खाली पीली प्यार से मेरा होगा नहीं भला, रे थानेदार घर में कुआं खुदा, थानेदार घर में कुआं खुदा। थानेदार ढोलक मुझे दिला, रे मैं भी बजाऊं।
बजाऊंगी तू भी बजाएगा, हल्ला सुनेगी तेरी माँ। और थानेदार ढोलक मुझे दिला, थानेदार ढोलक मुझे दिला। काली पीली प्यार से मेरा होगा नहीं भला, थानेदार ढोलक मुझे दिला, थानेदार ढोलक मुझे दिला। इजाजत दीजिए, सुबह की फ्लाइट पकड़ना। जी कहाँ चल दिए, अभी वक्त ही क्या हुआ। लेकिन ओ नो, गाड़ी बंद हो गई। आप इवनिंग में टाइम क्या हुआ? 11:03। हम अभी आए, जरूरी फोन करना है। बाद में जापड़ देती है, बचपन से कभी हमको प्यार नहीं मिला, बचपन से छोड़कर चली गई, बाप पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है, अब मैं क्या करूं बेटा झूलेलाल, या तो मेरे को टिकाने। नेहा, हमारी बात ध्यान से सुनो।
जब तक हम घर ना पहुंचे तुम किसी चीज को छूना नहीं और ना ही किसी से कुछ कहना, समझे? ये अचानक कैसे हुआ? कैसे हुआ अचानक? कैसे हुआ नेहा? बहुत सुना है वो उसे पीछे जाके मेरा घर ना भरने की कोशिश। रिलैक्स रिलैक्स नेहा रिलैक्स। Come on. Just relax. Bacha. 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 Neha, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, जाके किचन में से नींद की गोली ले लो। ये क्या कर रहे हो? लाश को ढक रहा हूं। कोई चोर है, चोरी करने के इरादे से आया होगा। पुलिस कब तक आएगी? तुमने उन्हें खबर नहीं की? तुमने तो कहा था कि किसी को ना बताओ। तिलकनगर पुलिस स्टेशन। हम 32 तिलक रोड से बोल रहे हैं। यहाँ एक आदमी की लाश पड़ी हुई है। आपका नाम? जयदीप। मरने वाले का नाम? मालूम है। मौत की वजह नेचुरल डेथ या एक्सीडेंट? मालूम नहीं। क्या मतलब? क्या किसी ने उसका कत्ल किया? आप यहाँ चलाइए, आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। आप यहाँ कितनी देर में आ रहे हैं? बस हम 2 मिनट में हाजिर हुए। जब तक आप किसी चीज को हाथ मत लगाइए। थैंक यू। मैं कपड़े बदल लेती हूँ। किस लिए? पुलिस आएगी, पूछताछ होगी। नेहा, तुम क्यों परेशान होती हो? तुम पर जो बीती वो क्या कम है? एकदम चेहरा पीला पड़ गया। जाओ, तुम जाकर सो जाओ। घबराओ नहीं, हम आ गए हैं, सब संभाल लेंगे। जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट।
जो उंगलियों के निशान तुझे डराने के काम आए थे, आज हमें बचाने के काम आएंगे। आप लोग चाय तो पी लीजिए। साहब ये रहा दूसरा स्काफ। मिसेस जयदीप, कल रात को जो कुछ भी हुआ आप डिटेल में बताएंगी? मैं बेडरूम में सोई हुई थी, टेलीफोन की घंटी बजी, घर में और कोई नहीं था। मैंने यहां आके टेलीफोन उठाया। टेलीफोन तो आप यहां से भी उठा सकती थी, इट्स इजियर। मैं यहीं से टेलीफोन उठाती हूं ताकि मैसेज वगैरह लिखने में आसानी हो। यू राइट विद योर राइट हैंड? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद? मैं फोन सुनी रही थी जब उसने पीछे से कोई कपड़ा डालकर मेरा कलह दबोच लिया। कैसा कपड़ा? शायद कोई मफलर था या स्कार्फ। फिर उसने मुझे धक्का दिया, मैं मेज पर गिर गई। उसके बाद मुझे इतना याद है कि मेरे हाथ में पेपर नाइफ आ गया। बहुत घबरा गई होंगी आप। जी। फिर भी आपने पुलिस को टेलीफोन नहीं किया? मेरी इनसे फोन पे बात हो गई थी, मैंने समझा ये खुद पुलिस को फोन कर देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने डॉक्टर को बुलाने की जरूरत भी नहीं समझी? वो मर चुका था। आपने उसकी नब्ज देखी थी? नहीं। फिर आपको कैसे पता चला कि वो मर चुका था? उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो मर चुका था। उसकी वो खुरती हुई आंखें। इसका मतलब आपने उसका चेहरा देखा? मैंने सिर्फ उसकी आंखें देखी थी, उसका चेहरा नहीं। इंस्पेक्टर साहब, नेहा आपको बता चुकी है कि इन्होंने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। हमारी समझ में नहीं आता कि आप इन्हें क्यों परेशान करने पे लगे हुए। तो फिर वो आदमी अंदर कैसे घुसा? ये आपसे कह तो चुके हैं, गार्डन की तरफ से आया था। जी नहीं, वो इस दरवाजे से अंदर आया था। आप ये दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? उसके जूतों की वजह से। जूतों की वजह से? जी हाँ, दरवाजे में घुसने से पहले उसने अपने जूते पायदान से पहुंचे, क्योंकि पायदान नया था, उसके रेशे उसके जूते से चिपके हुए पाए गए। और दूसरी बात, कल रात बारिश बहुत हुई थी, जमीन गीली थी। अगर वो गार्डन की तरफ से अंदर आया होता तो कुछ मट्टी या कीचड़ के निशान इस फर्श पर जरूर होते। देयर वाज नथिंग। नेहा, जब हम और सागर बाहर गए थे तुमने किसी वजह से दरवाजा खोला था? नहीं। नेहा, जब उस दिन तुम्हारा पर्स चोरी हुआ था तो तुम्हारी चाबी उस पर्स के अंदर थी? हाँ थी। और जब पर्स वापस मिला तब भी उसमें चाबी थी। बाय द वे मिसेस जयदीप, आपका पर्स कहाँ चोरी हुआ था?
हम लोग ओशियानिक क्लब गए थे एक पार्टी अटेंड करने के लिए। ओशियानिक? जी ओशियानिक क्लब। जी हाँ उस पर्स में से कोई चीज गायब तो नहीं हुई थी? सारे रुपए निकाल लिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा मतलब है कि कोई डॉक्यूमेंट्स या चिट्ठियां वगैरह वगैरह वगैरह? और कुछ नहीं। फिर भी आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। मुझे अच्छी तरह याद है। अगर उसने आपका पर्स चुरा कर आपकी चाबी की डुप्लीकेट चाबी बनवाई होती तो वो ताला खोलकर इस घर के अंदर आ सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि लाश की जेब में कोई भी चाबी बरामद नहीं हुई। इसका मतलब यह होता है कि आप मैंने अखबार में पढ़ा तो सीधा रिटर्न फ्लैट लेकर आ गया। ये सब? हाँ भाई, इंस्पेक्टर बरुआ, सागर साहब। हाउ डू यू डू मिस्टर सागर? फाइन थैंक यू। चंद सवाल पूछ सकता हूँ अगर आपको एतराज ना हो तो? जी जरूर पूछिए। आप दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं? जी नेहा के यूं तो एक हफ्ता पहले मुलाकात हुई। हम कल सागर साहब पार्टी में हमारे साथ। जी हाँ। कब तक साथ थे आप दोनों? हाँ 11:03 तक। ये सही वक्त आपको कैसे मालूम? जी बात दरअसल ऐसी है कि इनकी घड़ी खराब हो गई थी और इन्हें कुछ जरूरी टेलीफोन करना था तो इन्होंने मुझसे टाइम पूछा था। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपने घर पे टेलीफोन किया, आपकी पत्नी टेलीफोन उठाने के लिए आई और पीछे से विक्रमजीत ने हमला कर दिया। जी आपने कल नेहा को फोन किया? आप तो कह रहे थे कि किसी और को। हाँ भाई, उस वक्त तुमने फोन किस लिए किया था? हमें बलवंत सिंह को फोन करना था, उनका नंबर हमारे पास नहीं, टेलीफोन डायरेक्टरी नहीं थी वहां, वो रात को सिर्फ अपने पर्सनल नंबर पर बात करते जो डायरेक्टरी में नहीं। वो सुबह की फ्लाइट लंदन जा रहे थे, हमारा उनसे बात करना बहुत जरूरी था। तो फिर आपने उनसे बात की? नेहा से बात करने के बाद होशी कैसे रहा जनाब। अच्छा अच्छा अच्छा, मिस्टर सागर आप अपना एड्रेस और टेलीफोन नंबर लिखकर देंगे? जी जरूर, ताकि जरूरत पड़ने पर कांटेक्ट किया जा सके। अगर आप इजाजत दें तो हम 2 मिनट में हाजिर हो जाएं। आप ही का घर है, फील एट होम। मिसेस जयदीप, आपके पर्स में से एक चिट्ठी गायब हुई थी। नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं मिसेस जयदीप। By the way, आपके पति आप दोनों के बारे में कितना जानते हैं? मैं समझी नहीं। मिस्टर सागर, आपने जो लंदन से इनको खत लिखा था वो लाश की जेब में पाई गई है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला मिसेस जयदीप? क्योंकि मेरे पति इसके बारे में कुछ नहीं जानते। इसका मतलब विक्रमजीत आपको ब्लैकमेल कर रहा था। मैं कुछ नहीं जानती। इंस्पेक्टर साहब, नेहा को एक खत जरूर मिला जिसमें कुछ रुपयों की मांग थी, लेकिन वो खत विक्रम ने लिखा या किसी और ने, ये नेहा को नहीं मालूम। अगर आप इनकी तरफ से वकालत ना करें तो बेहतर होगा मिस्टर सागर। मिसेस जयदीप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हर बात सच सच बता दीजिए, क्योंकि आपका बोला हुआ एक एक लफ्ज बतौर बयान अदालत में पेश किया जाएगा। अगर वो झूठ साबित हो गया तो वो आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सच सच बताइए कि आप विक्रम से पहले कितने बार मिल चुकी हैं? एक बार भी नहीं, मैंने उसे कभी देखा तक नहीं। तो फिर वो इस दरवाजे से अंदर कैसे आया? मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि इस दरवाजे की 2 चाबियां हैं, एक मेरे पास है, मेरे पास है। और ये दूसरी चाबी हमारे पास है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब आपने दरवाजा खोलकर खुद उसे अंदर आने दिया? मैंने? भला ये क्यों उसे अंदर आने दी? क्या आपको इस बात का भी यकीन नहीं कि उसने मेरा गला दबाकर मेरी जान लेने की कोशिश की? तो फिर ये निशान कहां से आए? ये निशान तो आप खुद भी बना सकती हैं, क्योंकि पुलिस को जो स्कार्फ मिली है वो आप ही की है। हो सकता है कि कत्ल के बाद अपने आप को बचाने के लिए आपने ये निशान खुद बना लिया हो। और ये भी तो हो सकता है इंस्पेक्टर कि मुकदमे को आसान बनाने के लिए मुआयने के दौरान
पुलिस ने खुद बखुद उल्टे सीधे सबूत छोड़ दियो। हम जानते हैं हमारी पत्नी मासूम है, निर्दोष, बेकसूर है। इन्होंने जो कुछ भी किया अपनी जान की हिफाजत के लिए किया है। हम अभी अपने वकील से बात करते हैं। जब पता नहीं वो आदमी इस घर में कितनी देर पहले घुसा था, हो सकता है उसने मेरा स्कार्फ निकाल लिया हो। यस लव, बिल्कुल यही हुआ है। यू जस्ट रिलैक्स, पुलिस ने जानबूझकर पायदान पर जूतों के सबूत छोड़े। हेलो, दिस इज जयदीप हियर, कैन आई स्पीक टू एडवोकेट झा प्लीज? आप तैश में आ रहे हैं मिस्टर? तैश आप दिला रहे हैं इंस्पेक्टर बरुआ, आपको जो कुछ पूछना है अदालत में पूछिए। नेहा जी, आप मिस्टर सागर को शादी से पहले भी जानती थी? जी। आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ हाँ या ना में दीजिए तो फिर आप दोनों की शादी क्यों नहीं हुई? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, सागर और मिसेज नेहा जयदीप की शादी क्यों नहीं हुई, इस बात का मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है योर ऑनर, मकतूल की जेब से निकला हुआ एक खत, एग्जिबिट नंबर 1, इस मुकदमे की अहम कड़ी है, और यह इसलिए लिखा गया क्योंकि इन दोनों की शादी नहीं हुई थी। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। नेहा जी, आपकी शादी सागर के साथ क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्हें वक्त चाहिए था, और आप अपने पिताजी की बीमारी की वजह से मजबूर थी। जी। इसका मतलब है आपने अपने पिताजी के कहने पर मिस्टर जयदीप के साथ शादी तो कर ली, लेकिन शादी के बाद भी मिस्टर सागर को पाने का ख्याल नहीं छोड़ा। झूठ है। झूठ है तो सागर का लिखा हुआ खत जब आपके पर्स में से गायब हो गया, तब आपने अपने पति को क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो नहीं जानते थे या आपने उन्हें नहीं बताया? क्या आपने उन्हें यह बताया था कि खत चोरी होने के बाद आपको एक धमकी भरी चिट्ठी मिली थी जिसमें खत के एवज में 1,00,000 रुपए की मांग की गई थी? नहीं। तो क्या आपने 1,00,000 रुपए की रकम अदा की? जी। और आपने उन्हें यह भी नहीं बताया? योर ऑनर, 1,00,000 रुपए की रकम मायने रखती है। जो औरत अपने पति से एक मामूली सा खत छुपाने के लिए 1,00,000 रुपए की रकम अदा कर सकती है, उसके चरित्र का अंदाजा यह अदालत खुद लगा सकती है। क्या साहब, आप कोर्ट में जबान नहीं खोलेंगे? योर ऑनर, क्योंकि खत विक्रमजीत के पास मौजूद था, यह बात साफ हो जाती है कि वो इन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। आपने पहली बार उसे कब देखा? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। तो आपने 1,00,000 रुपया किसे दिया? मैंने वो पैसे, यानी ब्लैकमेलर की बताई हुई जगह पर रख दिया। जी। योर ऑनर, किसी शख्स को ना पहचाने की दलील ना जाने कितनी मर्तबा अदालत में पेश की जा चुकी है। मिसेज नेहा जयदीप विक्रमजीत किस रास्ते से घर में अंदर घुसा? मैं नहीं जानती। आप नहीं जानती या बताना नहीं चाहती? यह बात साबित हो चुकी है कि वो सामने वाले दरवाजे से अंदर आया। क्या आप अभी इस बात से इनकार करती हैं कि आपने खुद दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने नहीं दिया? जता भी झूठ है, मैंने दरवाजा नहीं खोला था। यह सच है योर ऑनर, उस दरवाजे की सिर्फ 2 चाबियां हैं, एक जो हमेशा इनके पास रहती थी, एग्जिबिट नंबर 2, और दूसरी जो हमेशा मिस्टर जयदीप के पास रहती है। क्या आपको इस बात से भी इनकार है? योर ऑनर, मुलजिमा का कहना है कि मकतूल ने स्कार्फ से गला दबाकर इनकी जान लेने की कोशिश की और अपने आप को बचाते हुए कश्मकश के दौरान इनसे एक कत्ल हो गया। योर ऑनर, वारदात के मौके पर ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे कि यह साबित हो सके कि वहां कोई कश्मकश हुई थी, क्योंकि जो सबूत मिला है वह है स्कार्फ एग्जिबिट नंबर 3 जो मुलजिमा का अपना है और कत्ल करने के बाद मौके पर डाल दिया ताकि अदालत को गुमराह किया जा सके। जज साहब, न जाने कितनी देर से वो घर में घुसा हुआ था, हो सकता है उसने मेरे ड्रॉ से मेरा स्कार्फ निकाल लिया हो। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है नेहा जी, लेकिन हुआ क्या था? हुआ यह था योर ऑनर कि विक्रम की बढ़ती हुई मांगों से तंग आ चुकी थी। वो हर बार खत ना लौटाने का कोई ना कोई नया बहाना ढूंढ निकालता था। उस रात भी जब वो इनके घर पहुंचा तो इन्होंने रुपया देने से पहले खत की मांग की। विक्रमजीत को इनके इरादे खतरनाक लगे, उन्होंने कहा कि वो खत घर बुलाया है, वापस जाना चाहता है। इस पर इन्होंने कभी निशाना ना चूकने वाला वो हथियार फेंका जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक औरत कर सकती है, और वो हथियार था मोहब्बत की दावत। विक्रमजीत बौखला गया, वो दावत को सच समझ बैठा और जैसे इनकी बाहों में झुका इन्होंने पेपर नाइफ उठाकर उसकी पीठ में घोंप दिया। झूठी गवाही और फोटी दलीलों के बिना पर तू मेरी बीवी का बदकार साबित करना चाहता है? छोड़ दीजिए मुझे, क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरा फांसी पर चढ़ाए गए चाली से एक अपना मासूम को सजा दिलवाना चाहते हैं आप लोग? ये अन्याय है। आप लोग मेरी बीवी को बड़ी अदालत में उसकी इज्जत उछाल रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि मैं खामोश रहूं? छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। कैरी ऑन मिस्टर प्रोसिक्यूटर। योर ऑनर, इस औरत ने अपने पति को धोखा दिया है, उस पति को
जो इनके प्यार में पागलपन की हदों को पार कर चुका है, जिसका सबूत अभी अभी आपने अपनी आंखों से देखा। यह औरत शादीशुदा होने के बावजूद गैर मर्द की बाहों में झूली अपने हुस्न और जिस्म का लालच देकर कत्ल जैसा वहशियाना जुर्म किया। योर ऑनर, यह औरत औरत नहीं है, एक खूनी है, एक कातिल है। शी इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डरेस, जिसे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। दैट्स ऑल योर ऑनर। यह अदालत मुलजमा ने है जयदीप को मुजरिम करार देते हुए इंडियन पीनल कोड दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। गुड इवनिंग मिस्टर जयदीप। गुड इवनिंग। क्या मैं अंदर आ सकता हूं अगर आपको एतराज ना हो तो? थैंक यू। कहिए कैसे आना हुआ? कल नेहा को फांसी लगने वाली है, ना जाने आप पर क्या बीत रही होगी, सोचा आपसे मिलता चलो। हमारी छोड़ी है नेहा की सोची, जिन्हें कल फांसी लगने वाली है। मौत का भयानक मंजर उस बेचारी के सामने। मिस्टर जयदीप, मरने वाले के सामने तो मौत का खौफ होता है, जो उसे हर चीज भुलाने पर मजबूर कर देती है। आपके सामने तो अभी जिंदगी पड़ी है, अपने जज्बात पर काबू रखिए, न जाने जिंदगी में कब क्या हो जाए। मिस्टर जयदीप, कहीं आपकी चाबी तो नहीं गिर गई? चाबी? जी नहीं, हमारी चाबी हमारे पास। अरे हो, मेरी जेब में छेद हो गया है, शायद गिर गई होगी। आजकल चाबियों के साथ यही मुसीबत है, देखने में सब एक जैसी लगती हैं। अच्छा, फिर कभी सेवा की जरूरत हो तो जरूर कहिएगा। शुक्रिया। थैंक यू। बाय द वे, आपके पास कोई लाल रंग का ब्रीफकेस तो नहीं? ब्रीफकेस? जी था तो, आपको कैसे पता? क्या वो खो गया है? जी हाँ, आज सुबह ही। अच्छा 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 अच्छा। बाय द वे मिस्टर जयदीप, उसमें कोई कीमती सामान तो नहीं था? जी नहीं, कुछ गैर जरूरी कागजात थे और सात आठ हजार रुपया होगा। 70-80 हजार तो नहीं? नहीं नहीं, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ कि हमारे पास लाल रंग की ब्रीफकेस थी? पुलिस को एक लाल रंग का ब्रीफकेस मिला है, ठीक वैसा ही ब्रीफकेस मेरे असिस्टेंट ने आपके पास भी देखा था, लेकिन वो आपका नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 70-80 हजार रुपए हैं। ओके मिस्टर जयदीप। इंस्पेक्टर साहब, इनके बेडरूम में भी एक लाल ब्रीफकेस है जिसमें तकरीबन इतनी ही रकम होगी। तुम यहां क्या कर रहे हो? आपकी बात का जवाब मैं बाद में दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप पहले जाकर इनके बेडरूम में ब्रीफकेस देख लीजिए। लगता है लाल ब्रीफकेसेस की बाढ़ आ गई है इस शहर में। मिस्टर जयदीप, आपने हमसे झूठ क्यों बोला?
ये बताना जरूरी है इंस्पेक्टर साहब। अगर आपको एतराज ना हो तो ये ब्रीफकेस नेहा का है। वारदात की रात जब हम घर पहुंचे तो हमने देखा नेहा लाश पर झुकी हुई पागलों की तरह जेबों की तलाशी ले रही है और बार बार यही कह रही है कि विक्रम झूठ बोल रहा था, विक्रम झूठ बोल रहा था। उसके सर पर जुनून सवार था, इसीलिए उस रात हमने उसे पुलिस से नहीं मिलने दिया, वरना वो उसी रात पकड़ी जाती। अगले रोज नेहा ने हमें यह ब्रीफ केस देते हुए कहा कि किसी भी हालत में यह ब्रीफ केस पुलिस के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि क्योंकि वो ये रुपया विक्रम को देना चाहती थी। हम जानते थे अगर ये ब्रीफ केस पुलिस के हाथ में लग गया तो नेहा के बचने की रही सी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। झूठ, ये झूठ बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं अच्छी तरह जानता हूँ नेहा ऐसा कभी नहीं कर सकती, और अब उसके बचने की कौन सी उम्मीद बची है जो इन्हें आपसे झूठ बोलने की जरूरत महसूस हुई। हम मजबूर थे इंस्पेक्टर साहब, हमने नेहा को वचन दिया था कि इस ब्रीफ केस के बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इन महाशय की बदौलत हमें अपनी कसम तोड़नी पड़ी। मेहरबानी करके इनसे पूछिए कि हमारे खुशहाल जिंदगी में आग लगाने के बाद इन्हें हमसे और क्या चाहिए, क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा इंस्पेक्टर साहब, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि नेहा कभी झूठ नहीं बोल सकती। अगर इनका कहना है कि ये रुपए वो विक्रम को देने वाली थी तो ये झूठ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं झूठ? क्यों छुपाना चाहते हैं इस रुपए को? क्या खास बात है इस रुपए में? क्या ये रुपए सचमुच वही है जो नेहा ब्लैकमेलर को देने वाली थी? नहीं, वो ब्लैकमेलर को कोई रुपए नहीं देने वाली थी, क्योंकि क्योंकि वो उसे रुपए दे चुकी थी, लेकिन लेकिन विक्रम के पास कोई रुपए नहीं मिले। क्या ये रुपया वही है? हाँ, यही है वो रुपया। तुम्हारे पास कैसे आया? इसका मतलब है तुम ब्लैकमेलर से मिले हुए थे, फिर भी तुम उसे अकेली छोड़कर मेरे साथ पार्टी में चले गए। क्यों क्यों तुमने ठीक उस वक्त वहां से फोन किया जब विक्रम ने पीछे जवाहर? Oh my God! He knew it all the time! बेटे साहब, ये इसकी और विक्रम की साजिश थी नेहा को मारने की। गिरफ्तार कर लीजिए इसे इंस्पेक्टर साहब। क्या साहब, गिरफ्तार कर लीजिए। काम डाउन। हम पर हमारी पत्नी के कत्ल की जलील साजिश का इल्जाम लगाता है। हम जो अपनी पत्नी के बगैर एक पल जिंदा नहीं रह सकते, हम कहते चार चौरास से। यह आदमी नहीं शैतान है। इस जैसा घटिया आदमी हमने दुनिया में नहीं देखा। इसकी वजह से नेहा ब्लैकमेल हुई। इसकी वजह से नेहा भरी अदालत में बेइज्जत हुई। इसकी वजह से भरी अदालत में बेइज्जत हुई। आज नेहा के गले में फांसी का फंदा पड़ रहा है तो इसकी वजह से पड़ रहा है, इस कमीने की वजह से। इंस्पेक्टर साहब, नेहा की मौत के जिम्मेदार हम नहीं, ये है इसकी मौत का जिम्मेदार। इंस्पेक्टर साहब, इसे कहीं चला जाए यहां से। हम इसकी एक पल सूरत नहीं देखना चाहते। दफा हो जाए यहां से, दफा हो जाए यहां से, नहीं तो तेरा खून कर देंगे कमीने। इंसान की तरह पेश आइए। बिहेव लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। मिस्टर सागर, ये इनका घर है। ठीक है, लेकिन इतना याद रखिए, जब तक आप जैसे लोग कानून के रहनुमा हैं, कानून जुर्म की राहों में भटकता रहेगा। बदतमीज, ये भी कानून को गाली दे गया। आजकल जिसको देखो कानून की एक गिलास पानी मिल सकता है? जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ, बाय द वे, ये रुपए जो है लॉकर में जरूर डलवा दीजिएगा। जी। हाँ, याद आया, पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बीवी का पर्स जरूर ले लीजिएगा। जी। आपके लिए तो बड़ी सेंटिमेंटल वैल्यू होगी। गुड नाइट। गुड नाइट।
सुनो, मैं अंदर जा रहा हूं। जयदीप जब भी वापस आए तो मुझे सिग्नल कर देना। शुरू कर दो। इंस्पेक्टर साहब प्लीज दरवाजा खोलिए, मैं सागर हूं इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। आप बाहर ही ठीक हैं इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इन्हें, और कोई तरीका नहीं है आपसे पीछे छुड़ाने का। वो चलिए जल्दी अंदर आइए। गो। बाय द वे, आप चाहते क्या हैं? नेहा की रिहाई। तो फिर चुपचाप यहीं खड़े रहिए। इंस्पेक्टर साहब मैं मिस्टर सागर, आपकी नजरों में पुलिस वालों को काम से ज्यादा नींद प्यारी है ना? अब हम आपको एक ऐसा नजारा दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हम नींद में भी जागते रहते हैं। यू विल सी इट नाउ। जय कहाँ है? बाय द वे मिसेस जयदीप, अभी अभी घंटी आपने बजाई थी। जी हाँ, आप लोगों ने दरवाजा क्यों नहीं खोला? क्यों, आपके पर्स में आपकी चाबी नहीं है? हाँ है, मगर उससे दरवाजा नहीं खोला। आप अपना पर्स हमें देंगी? ये चाबी किसकी है? होनी तो मेरी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, इंस्पेक्टर हरीश इसे फौरन गुप्ते के पास ले जाओ। इंस्पेक्टर साहब आखिर ये सब? स्टेशन जाकर आप अपनी बीवी का पर्स जरूर ले लीजिएगा, आपके लिए तो उसकी बड़ी सेंटिमेंटल वैल्यू होगी। पर्स लेकर पहुंच गया। अब ध्यान से सुनो, जयदीप पुलिस स्टेशन की तरफ आ रहा है। अगर वो रेनकोट और चाबी के बारे में पूछे तो कह देना कि मैं आसाम चला गया हूं। उसके बाद वो नेहा के पर्स के बारे में पूछेगा। पर्स देते वक्त उसे चाबी दिखा देना और ध्यान से उसके दस्तखत ले लेना कि चाबी उसके पास है। समझ गए? इंस्पेक्टर साहब एक मिनट प्लीज सुनिए, ये रेनकोट, ये पर्स, ये सब क्या है आखिर? इस रेनकोट को पहचानते हो? ये जयदीप की है, मैंने बदल ली थी। और ये रही उसकी चाबी। अब जब मिस्टर जयदीप पुलिस स्टेशन से इनका पर्स लेकर वापस आएगा
तो पर्स में से इनकी चाबी निकालकर इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा। लेकिन ये दरवाजा खुलेगा नहीं, जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि वो चाबी विक्रमजीत की है। यानी कि वही चाबी जो इस वक्त नेहा के पर्स में है? जी हाँ। तो मेरी चाबी कहाँ है? बताता हूँ, फॉलो मी। ये रही आपकी चाबी। मेरी चाबी यहाँ? जी हाँ। और यही बात जानने के लिए हम आपको यहाँ लाए हैं कि इस छिपी हुई चाबी के बारे में आपको जानकारी है या नहीं। आई एम ग्लैड यू डोंट। लेकिन विक्रमजीत की चाबी नेहा के पर्स में कैसे पहुंच गई? लंबी कहानी है, बताता हूं। इनके जेल जाने के बाद हमें पता चला कि जयदीप होटलों में अय्याश कर रहा है। एक आदमी जिसकी पत्नी के सर पर मौत मंडरा रही हो और वो अय्याश करे, ये जानकर मुझे उस पर शक हुआ। मैं फौरन जेल चला गया, नेहा के पर्स में से चाबी निकाली और इस उम्मीद में कि कोई सबूत मिल जाए यहां चला आया। तब अचानक मेरे दिमाग में सच्चाई बिजली की तरह चमकी। मैं फौरन उस चाबी को लेकर विक्रमजीत की गर्लफ्रेंड यानी मिसेस पटेल के घर पहुंच गया और वो चाबी मिसेस पटेल के घर की चाबी थी। मेरी समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा। सब समझ में आ जाएगा मिसेस जयदीप। आपको कत्ल करने की साजिश की गई थी। वारदात की रात विक्रमजीत को पता था कि आपके चाबी इस कारपेट के नीचे होगी। उसे हिदायत दी गई थी कि वो यहां से चाबी निकालेगा, दरवाजा खोलेगा, अंदर आपका कत्ल करने के बाद चाबी को यहां वापस छुपा देगा। मगर विक्रमजीत ने एक गलती की जो जयदीप को आज तक पता नहीं है। हादसे के बाद यानी विक्रमजीत के मर जाने के बाद जब आपके पति वापस आए, उन्होंने विक्रमजीत की जेब में रखी हुई चाबी को आप ही की चाबी समझकर आपके पर्स में डाल दिया। इसका मतलब? मतलब साफ है मिसेस जयदीप, आपके पति ने आपकी दौलत हासिल करने के लिए विक्रमजीत के साथ मिलकर आपको कत्ल करने की साजिश की थी। आपका ख्याल सही था मिस्टर सागर। इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि जय को गुनहगार साबित करने के लिए यह जरूरी है कि वह जीने पर रखी हुई चाबी को ढूंढे। इसीलिए मैंने उसकी चाबी हासिल कर ली। अब जब वो लौट कर वापस आएगा तो नेहा के पर्स में रखी हुई चाबी से दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा। दरवाजा ना खुलने पर उसे अपनी भूल का एहसास होगा। वजह समझ में आने पर वह जीने पर रखी हुई चाबी ढूंढेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो हम ये साबित नहीं कर सकते कि वो विक्रमजीत के साथ मिला हुआ था। फिर क्या होगा? फिर हमें मजबूरन नेहा को वहीं भेजना पड़ेगा जहां से ये अभी अभी लाई गई। देखना ये है कि भगवान का इंसाफ कानून के इंसाफ से बड़ा है कि नहीं। तो फिर नेहा की चाबी कहां? कहीं उस उल्लू के चरखे ने अंदर जाने से पहले चाबी हम वापस तो नहीं रखी? Thank you.
यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर जयदीप। हमें आपसे कुछ ऐसी ही नासमझ हरकत की उम्मीद थी इंस्पेक्टर। हमारे पास अब भी हमारी बेगुनाही का सबूत मौजूद है। कैसा सबूत? अभी पेश किए देते हैं। मिस्टर जयदीप, हम आपको वार्न करते हैं। कौन अब किसका